नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के हमारे पदाधिकारियों के साथ कमलनाथ ने एक बैठक ली। बैठक का मुख्य विषय प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार और आर्थिक शोषण को घटाए जाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं ग्वालियर में हुई घटना को लेकर कहा कि ग्वालियर सामूहिक बलात्कार की घटना में खंडपीठ ग्वालियर के दो दो न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया कि प्रदेश की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए उन पर चार्ज लगाया और उन्हें दंडित कर यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के हमारे पदाधिकारियों के साथ माननीय कमलनाथ जी ने आज एक बैठक ली। बैठक के मुख्य विषय ये था कि प्रदेश में जो अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचार, अनाचार और आर्थिक शोषण और उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को घटाए जाने को लेकर हम लोगों ने आज माननीय कमलनाथ जी के समक्ष पूरे अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी चिंता व्यक्त की। विशेष तौर पर यह आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा कि ग्वालियर की खंडपीठ ने जो हमारी दलित युवती थी, नाबालिग बच्ची थी, उसकी सामूहिक बलात्कार की घटना में खंडपीठ ग्वालियर के दो दो न्यायाधीशों ने यह फैसला सुनाया कि राज्य में यह सरकार और इसकी पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए उन पर चार्ज लगाया, उनको दंडित किया और मामला पूरा सीबीआई को सौंप दिया है। इस बात का उदाहरण है कि राज्य की पुलिस भेदभाव कर रही है, दलितों के साथ अत्याचार कर रही है। पथरिया के हमारे दलित वर्ग के न्यायाधीश माननीय स्वर्णकार साहब ने ये स्पष्ट कहा है कि मेरे लिए जान को खतरा इस राज्य की पुलिस से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इस बात का यह उदाहरण है कि राज्य की पुलिस में ना तो न्यायाधीश सुरक्षित है, ना तो यहाँ के लोग सुरक्षित है, ना कानून सुरक्षित है, ना व्यवस्था सुरक्षित है। इस असुरक्षा के भाव में कमलनाथ जी ने हम सबकी चिंता करते हुए यह फैसला किया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश भर में हम विधानसभा सत्र के दौरान इस सरकार की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण प्रदेश में आंदोलन की राह पे उतरेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.